करीब 10 घंटे से ज्यादा की कोशिशों के बाद देर रात करीब 3 बजे सतपुड़ा बिल्डिंग में लगी आग को नियंत्रण में किया गया, लेकिन सुबह भी बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ दिखा। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग अभी भी धधक रही है। जो छठवीं मंजिल है वहां पर अभी भी धुआं उठ रहा है और बीच बीच में कभी कभी वहां से आग भी निकल पड़ती है। ये देखिए, जो छठवीं मंजिल है इस बिल्डिंग की, वहां पर लगातार धुआं उठ रहा है और थोड़ी थोड़ी देर बाद यहां से चिंगारियां निकलती हैं, लपटें निकलती हैं, यानी कि 17-18 घंटे बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। करीब 14 घंटे बाद आग भले काबू में है, लेकिन इस आग ने प्रदेश की सियासत को झुलसाना शुरू कर दिया है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं, उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पूछ रही है कि आग लगी या लगाई गई, और ये सवाल यूं ही नहीं पूछा जा रहा। ये शाम 4 बजे की तब की तस्वीरें हैं जब एसी में आग लगनी शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआत में ही इस आग को गंभीरता से नहीं लिया गया। नतीजा हुआ कि आग बढ़ती गई और फिर देखते देखते तीसरी मंजिल से आठवीं मंजिल तक पहुंच गई। जिस सतपुड़ा बिल्डिंग में आग लगी उसमें कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं, और कांग्रेस इसी वजह से कह रही है कि सरकार जा रही है तो शिवराज फाइलें जलवा रहे हैं। आम जनता में मैसेज है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, शिवराज जी के कुशासन से लोग थक गए हैं। आपस में जब आप लोग बात करते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि यार शिवराज रहेंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। इस भावना को सरकार भी समझ चुकी है। अब देखो, सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी, ये आग है क्या? 50% कमीशन के एविडेंस को जला दिया गया है। मध्य प्रदेश के वासियों, क्या हमारे मुख्यमंत्री से ये जवाब दे नहीं कि पिछली बार जो आग लगी थी उसके दोषी कौन थे, कितने को सजा दी, किसको इसके लिए दोषी ठहराया गया, आरोपित किया गया, मुकदमा चला गया, जेल भेजा गया, एक भी नहीं। कांग्रेस के कुछ नेता ग्राउंड जीरो पर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस भीषण अग्निकांड में हेल्थ डायरेक्टरेट, आदिम जाति कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, पेंशन विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के दफ्तर को अपनी चपेट में ले लिया। संबंधित मंत्रालयों की फाइलें जल चुकी हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 12,000 फाइलें जली हैं। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। पहली बात तो चुनाव के समय इनके सरकार बन गई थी तब लगी थी। दूसरा, मान लो चुनाव के पहले लगी हुई थी तो फिर तो चुनाव के बाद सरकार में आप आए थे तो आप 15 महीने क्या करते रहे, अगर कोई गलती थी तो। लेकिन वो इनके समय में आग लगी थी, पर इनको तो कुछ भी बोलना है, ये कोई तथ्य की परख बात नहीं करते, हवाई फायर करते हैं। अब क्या क्या जवाब दोगे इनकी हवाई बातों का? ऐसे इनकी नेता आई थी वो भी हवाई फायर करती नहीं, इसमें हुआ उसमें हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान रात भर जागकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। रात को उन्होंने पीएम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और पूरी जानकारी दी। इस बिल्डिंग में 4,000 लोग काम करते हैं। सरकार के सामने चुनौती अब जली हुई फाइलों का डेटा जुटाने के साथ ही नए सिरे से दफ्तर शुरू करने की है। सरकार जल्द ही नए जगह से संबंधित विभागों का काम शुरू करवाएगी।